बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर एक और एग्जांपल देखो। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000। तो इसमें ए ने बेचा तो ए इसमें ड्रॉअर हो गया और बी ड्रॉई 10,000 का माल बेचे, क्योंकि आगे है प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। ठीक है, बी पेड रुपीज 1,800 थ्रू बैंक। बी ने क्या किया, क्योंकि ए ने माल बेचा तो बी को पे करना है ना, तो बी ने क्या किया, 1,800 तो बैंक से पे कर दिए एंड एक्सेप्टेड ए बिल फॉर द रेस्ट अमाउंट। यानी कि जो बिल बना वो पूरे सेल वैल्यू पे नहीं बना, उस पर 1,800 उसने दे दिए, बाकी पे बिल बना। द बिल वॉज मैटर ऑफ मेच्योरिटी, बिल लास्ट में पे हो गया, एंट्री करो। अब देखो कैसे क्वेश्चन करना है ये। तो इसमें ए ड्रॉअर है, पहले मैं ए की बुक बना रहा हूं, ड्रॉअर की बुक। तो इसने बी को माल बेचा है ना, तो पहली एंट्री क्या होती है, जिसको माल बेचा बेचने की एंट्री होगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, माल बेचा, ठीक है, डेटर बना लिया। और इसमें आउटपुट सीजीएसटी भी है और आउटपुट एसजीएसटी भी है। कितना अमाउंट, सेल का अमाउंट तो 10,000 है, उसके ऊपर 9% सीजीएसटी 900, एसजीएसटी 900, ये हो गया 11,800। ठीक है, अगली एंट्री। अब देखो डेटर के ऊपर हम बीआर बनाते हैं, तो जरूरी नहीं कि पूरे डेटर पे बीआर बनाना। अब तक तो हम ऐसे ही करते हैं कि जितना भी डेटर बना सारा के सारा उसके ऊपर बीआर बना दिया, डेटर हटाया बीआर बनाया। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में कहा है कि बी ने 11,800 में से 1,800 तो बैंक के थ्रू दे दिए, तो फिर पूरे के ऊपर बीआर क्यों बनाएंगे, क्योंकि बी ने कुछ पैसे तो दे दिए ना ए को, तो ए के पास कुछ पैसे तो आ ही गए। कितने आ गए, बैंक के थ्रू ए के बैंक में आ गए 1,800 रुपए, बी ने दे दिए ना, तो टू बीज अकाउंट 1,800 रुपए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जितने का डेटर है उतने का ही बीआर बनेगा। अब देखो यहां पे डेटर 11,800 का था, उसमें से 1,800 चले गए, बाकी का बीआर बना लेगा ए, बाकी का बीआर बन जाएगा, बीआर टू बीज अकाउंट। कितने का, बाकी कितने बचे, 11,800 में से उसने 1,800 दे दिए, बाकी 10,000 बने, 10,000 रुपए का बीआर बना लो। और लास्ट में इस बीआर की पेमेंट हो गई, लिखा ना द बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, तो लास्ट में पैसे आ गए ए के पास और बीआर खत्म। फिर से एक बार समझ लो, बी को डेटर बनाया 11,800 से, लेकिन पूरे बी के ऊपर बीआर नहीं बनाया, उसमें से बी ने क्योंकि 1,800 दे दिए, ए के पास आ गए पैसे, टू बी से 1,800, बाकी 10,000 जो बचे उसका बीआर बना लिया और लास्ट में बिल की पेमेंट हो गई। ऐसे ही अब बी की बुक देखो, बी कौन है यहाँ पर, ड्रॉई। तो अगर ए ने बेचा था तो ऑब्वियसली बी ने खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, और परचेज 10,000 रुपए की है, साथ में सीजीएसटी भी है, तो इन परचेज के साथ हम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लिखते हैं ना, टू ए, कितना 900, 900, 11,800। ठीक है, तो 11,800 रुपए का बी ने ए से माल खरीदा, ए को क्रेडिटर बना लिया। अब इसके ऊपर बीपी बना दे, नहीं, क्योंकि इसने 11,800 रुपए जो देने हैं ए को, उसमें से 1,800 तो दे दिए, यानी कि बी ने जब 1,800 दिए तो क्या एंट्री करेंगे, इसके पास से तो बैंक गया ना, इसने बैंक के थ्रू पैसे दिए ए को, तो एज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बी ने 1,800 रुपए दे दिए ए को, तो ए जो था 11,800 में से 1,800 तो ले बैठा है, तो अब बाकी 10,000 के ऊपर बीपी बनेगा, क्या एंट्री होगी, एज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट 10,000, 10,000, और लास्ट में पूरी पेमेंट, और लास्ट में इस बीपी की पेमेंट हो गई, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, 10,000, दैट्स ऑल।